वालेकुम, दिस इज़ किंसा बतूल फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। जैसा कि आपको पता है कि टाइटेनियम ग्रुप आपको डिफरेंट रेजिडेंशियल और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में अपडेट करता रहता है। आज बेसिकली मैं जिस पर डिस्कस करूँगी वो है बीकिन हाउस सोसाइटी। बीकिन हाउस सोसाइटी की अगर आप लोकेशन की बात करें तो ये शरीफ मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल साथ आता है, जाती उमरा वाली साइड पर। और ये जो है इसकी बैक जो है वो BNU यानी बीकिन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी को लगती है और इट्स नियरेस्ट टू अड्डा प्लॉट। और अड्डा प्लॉट में आपको पता है कि आप इजीली जो है वो रिंग रोड को अप्रोच कर सकते हैं, यानी इस लिहाज से भी देखा जाए तो इसकी अप्रोचेस जो है वो काफ़ी अच्छी हैं। इसमें जो प्लॉट कैटेगरीज हैं वो 10 मरला की है, 15 मरला की है, एक कनाल है और दो कनाल है। जिसमें 10 मरला जो है आपको ईजीली 60-70 लैक्स में मिल जाएगा और जो 15 मरला है वो आपको ईजीली 85-90 लैक्स में मिल जाएगा। यही अगर एक कनाल की बात की जाए तो वो आपको 90 लाख टू 1-10 crore तक मिल जाएगा। दो कनाल इजीली आपको 1-60 crore से लेकर 1-70 crore तक मिल जाएगा, डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट लोकेशन। बीकिन हाउस सोसाइटी एक LDA प्रूफ प्रोजेक्ट है और उसमें जो ज़रूरियात की बुनियादी चीज़ें हैं, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन, सुई गैस, पानी का निज़ाम, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो इधर मौजूद हैं। नो डाउट इधर पार्क्स और गार्डन्स मौजूद हैं और ये एक अच्छी सोसाइटी है। लेकिन अगर अब उन फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात की जाए जिन पर नॉर्मली लोग बात नहीं करते, तो वो ये है कि इसकी जो रोड्स हैं वो थोड़े नैरो हैं और इसकी जो पार्क्स हैं वो अच्छे हैं, लेकिन उसमें जो मेंटेनेंस है वो थोड़ी वीक है। यानी आप इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि इनकी जो मैनेजमेंट है वो थोड़ी वीक है। इसके साथ बिल्कुल बहरिया टाउन लगता है और हम इसका कंपैरिजन जो है वो बहरिया या DHA में से किसी सोसाइटी के साथ नहीं कर सकते बिकॉज इट्स एन एवरेज सोसाइटी। प्लस मैं उन क्लाइंट्स को ये रिकमेंड करूँगी जो इस लोकेशन पर इस मिनिमम बजट में या एक अच्छी लोकेशन पर जो है वो रेजिडेंस के लिए सोच रहे हैं या उनका माइंड है। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं और मज़ीद एनी क्यूरी रिगार्डिंग रियल इस्टेट आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं बिकॉज वी आर डीलिंग 180+ प्रोजेक्ट इन ऑल ओवर द पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।